तो क्या आजादी के जश्न के वक्त स्कूलों में अफीम बांटी जा रही थी? बंद पड़े सरकारी स्कूलों में आखिरकार इस जश्न की तस्वीरों का सच क्या है? जिस वक्त पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव को मना रहा था, तब एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तैर रहा था। वीडियो राजस्थान के बाड़मेर का बताया जा रहा था। आखिरकार क्या वाकई में सवाल इस वीडियो के साथ यही गूंज रहा था कि क्या वाकई में एक सरकारी स्कूल में नशीला पदार्थ का सेवन हो रहा था? क्या वाकई में सरकारी स्कूल में अफीम दी जा रही थी? इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ग्रामीण स्कूल में बैठकर नशा कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ा एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा किया जा रहा है, जहां गांव वाले ही स्कूल के बरामदे में बैठे हुए नजर आते हैं। सामने एक टिफिन रखा हुआ है, जहां एक शख्स कुछ सामान निकाल कर लोगों को बांटता है। वहीं दूसरे वीडियो में कुछ बच्चे भी नजर आने का दावा किया जा रहा है। और दावा ये कि आखिरकार स्कूल में गांव वाले अफीम बांट रहे हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि जिस दिन देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वीर जवानों को याद किया जा रहा था, महापुरुषों की शहादत को पूरे देश को याद दिलाया जा रहा था, उस दिन क्या वाकई में राजस्थान के बाड़मेर के गांव में अफीम बांटी जा रही थी? यकीनन इस तरह के वायरल वीडियो दिल को दुखाते हैं, देश को शर्मसार करते हैं। अब सवाल ये कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है? वीडियो वायरल को लेकर पुलिस प्रशासन क्या नींद से जागेगा? क्या कोई कार्रवाई करेगा? क्या वाकई में बाड़मेर के इस सरकारी स्कूल में जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन गया है? इस तरह के वीडियो हमेशा सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्या वाकई में आजादी के जश्न में स्कूल में अफीम बांटी गई? ये प्रश्न का जवाब पुलिस को तलाशना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।